सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के दो दिन बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख मीडिया और उन्हें ट्रोल्स करने वालों पर जमकर भड़ास निकाली। कृति सेनन को सोशल मीडिया पर इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर आने के तुरंत बाद रिएक्शन क्यों नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार सोमवार को किया गया था। कृति सेनन ने अपनी पोस्ट में लिखा, ये बहुत ही विचित्र है कि ट्रोल और गॉसिप करने वाले लोग अचानक जागे और अपनी अच्छाइयों के बारे में बात करने लग जाएं, जब आप इस दुनिया में नहीं हैं। सोशल मीडिया सबसे फेक और जहरीली जगह है। यदि आपने पब्लिकली कुछ नहीं लिखा और आप RIP पोस्ट नहीं किया तो समझ लिया जाता है कि आपको दुख नहीं है, जबकि रियलिटी में यही लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया रियल दुनिया है और रियल दुनिया अब फेक समझी जाने लगी है। कृति सेनन ने अपनी पोस्ट में मीडिया कर्मियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा, कुछ मीडिया कर्मी अपनी संवेदनशीलता पूरी तरह से खो चुके हैं। ऐसे समय में वो आपसे लाइव आकर कमेंट करने की गुजारिश करते हैं। अंतिम संस्कार में जाते वक्त साफ तस्वीर क्लिक करने के लिए कार का दरवाजा ठोकना और बोलना कि मैडम शीशा नीचे करो ना, अंतिम संस्कार पर्सनल होते हैं। इंसानियत को काम से ऊपर रखें। हम भी साधारण इंसान हैं और हमारी भी कुछ भावनाएं हैं, ये मत भूलो। कृति सेनन ने इस तरह ट्रोल्स और मीडिया कर्मियों पर अपनी भड़ास निकाली है। बता दें कि कृति सेनन उन कलाकारों में से हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी।